हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जो डिस्कस करेंगे वो आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में पहले ही दिया जा चुका है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है बच्चों? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इट इज़ मोस्टली यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड सेंड द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। ये हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में, हर सिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है? इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकते हैं। किधर? सीपीयू में, ठीक है। अब कीबोर्ड नॉर्मली कंटेन, कीबोर्ड में नॉर्मली 106 से 106 की होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है बच्चों? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इट इज़ मोस्टली यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड सेंड द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। ये हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में, हर सिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है? इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकते हैं। किधर? सीपीयू में, ठीक है। अब कीबोर्ड नॉर्मली कंटेन, कीबोर्ड में नॉर्मली 106 से 106 की होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी माउस। माउस क्या होता है? अ कंप्यूटर माउस इज अ हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस। हैंडहेल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे हाथ में पूरी तरह से, पाम में फिट हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड हैंडहेल्ड डिवाइस, ठीक है। और ये है इनपुट डिवाइस है। दैट कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करता है? कर्सर को, इन अ GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड इट कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, आइकन, फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। माउस के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल को एंड फोल्डर को, और एक जगह से दूसरे जगह मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स क्या है? हम लोग जब कभी गेम खेलते हैं कंप्यूटर में या फिर टीवी में, तो हम लोग जॉयस्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर गेम खेलने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम। वीडियो गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ बेस एंड अ स्टिक दैट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। ये बेस और स्टिक्स होता है, स्टिक्स के थ्रू ही हम लोग मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। और क्या करता है ये? दैट स्कैन डॉक्यूमेंट सच एज फोटोज एंड पेज ऑफ टेक्स्ट। फोटो को और टेक्स्ट का पेज को स्कैन करता है, ठीक है। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज स्कैन, जब वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया जाता है, तो वो क्या करता है? ये जो भी हमारा हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करने के बाद डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड एडिट ऑन अ कंप्यूटर, जिसको हम लोग बाद में कंप्यूटर में देख भी सकते हैं, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। OMR, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ इनपुट डिवाइस एंड इट इज अ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग बाय रिकॉग्नाइजिंग मार्क ऑन अ डॉक्यूमेंट।
आप लोग सभी बच्चे लोग देखे होंगे या फिर स्कूल में भी हम लोग जब एग्ज़ाम लेते हो एमआर शीट में देखे होंगे कि आप लोग सर्कल करते हैं, गोल गोल सर्कल करते हैं ना, जो नाम होता है, रोल नंबर होता है, या फिर क्वेश्चन आंसर जब बनाते हैं हम लोग तो वन का ए बी सी डी चार ऑप्शन रहता है, जिसमें से एक ऑप्शन को हम लोग को सर्कल करना होता है, ठीक है। तो वो जो कॉपी आप लोग का होता है उसे चेक करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है OMR, ठीक है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम हम लोग क्यों कर क्या किस लिए करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए OMR का यूज़ हम लोग करते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द साउंड इन इन द एयर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हम लोग का साउंड होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये बहुत जगह हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देयर आर यूज्ड इन वेरियस प्लेस सच एज ऑन स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस में हम लोग देखे होंगे जो भी वक्ता होता है, जो स्टेज में परफॉर्म कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है, तो माइक्रोफोन का यूज़ करता है, ठीक है। देखते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा का नाम कभी सुना है? वेब कैमरा हम लोग देखे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे वेब कैमरा इज़ अ वीडियो कैमरा दैट फीड एन इमेज और वीडियो इन अ रियल टाइम, रियल टाइम इन द सेंस लाइव। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मोबाइल में हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, वो रियल टाइम होता है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो तुरंत किसी अदर मोबाइल में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का एक कैमरा, पहले इसका यूज़ अधिकतर हम लोग करते थे, अभी तो कम हो गया क्योंकि अब हम लोग मोबाइल से ही यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये पहले कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप के ऊपर या फिर लैपटॉप में भी आप लोग देखे होंगे कैमरा एक लगा रहता है, उसी को हम लोग वेब कैमरा कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट होता है नेटवर्क के थ्रू सच एज इंटरनेट।